फेमस उड़ान की एक्ट्रेस कविता चौधरी अब हम सब में नहीं रही हैं। कविता चौधरी की बात करें तो कविता चौधरी काफी दिनों से खराब तबीयत के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी और अब वो हम सब में नहीं रही हैं। कविता चौधरी के नेफ्यू अजय ने इस न्यूज को कंफर्म किया है और उन्होंने बताया है कि उनकी मासी पार्वती देवी हॉस्पिटल में काफी दिनों से एडमिट थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और वो उस हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अब उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है। कविता की बात करें तो कविता देवी ने 1989 में उड़ान जैसे एक फेमस शो में काम किया है। इस शो में उन्होंने एक कल्याणी सिंह आईपीएस ऑफिसर का रोल किया है। ना सिर्फ वो इस शो में एक्ट्रेस थी बल्कि वो इस शो की राइटर और डायरेक्टर भी थी, क्योंकि वो अपनी बहन कंचन चौधरी भट्टाचार्य से बहुत इंस्पायर्ड थी और उन्हीं की स्टोरी पे मिलती जुलती ये स्टोरी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, क्योंकि उनकी बहन सेकंड आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी के बाद। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे शोज रिलेटेड टू आईपीएस बनाए थे और डायरेक्ट भी किए थे और लिखे भी थे, और कुछ मूवीज में उन्होंने एज आईपीएस ऑफिसर्स के रोल भी अदा किया था। आपको बताते चलें कि कविता जी को हमेशा से एक सिंबल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट माना जाता है और इसी के कारण उनका नाम देश में काफी फेमस है और अब हम सब में नहीं रहे हैं। कविता जी की उम्र 67 इयर्स थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी फैमिली इस सदमे को सह नहीं पा रही। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।